बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेसन और शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर बुक 1। सो जैसे हमने बटन बटन पढ़ा था पहले, उसकी ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, क्वेश्चंस वगैरह, वैसे ही हम ये लेसन भी कंप्लीट करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड यू हैव टू कीनली observe the word formation, translation, synonyms, MCQs type questions आ सकते हैं, उन सब पे आपने focus करना है। So the lesson we gonna start is Dark Devil and Golden Eyed. You have to open your book 1 on page number 18. The title of the lesson is Dark Devil and Golden Eyed. अब मैंने आपको वही फर्स्ट डे बताया था कि देर आर सम टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिसमें फेबल, फोक टेल, फिक्शन और इस तरह की और टाइप्स थी, तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल भी थी। हमने जो बटन शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है दैट इज़ अ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। आज जो हम स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अ फिक्शन, अ साइंस फिक्शन स्टोरी। ठीक है, रे ब्रैडबरी इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। रे ब्रैडबरी वो साइंस फिक्शन भी लिखा करता था, एक फिक्शन राइटर था। सो फिक्शन और साइंस फिक्शन क्या होता है? फिक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फिक्शन इज़ नॉट एट ऑल अ ट्रू और रियल स्टोरी, ये कहीं से भी रियलिटी के करीब नहीं होती और ये बिल्कुल एक इमेजिनेटिव स्टोरी हम कह सकते हैं हम इसे। और अब हम बात करते हैं टाइटल की, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। एज़ फार एज़ द वर्ड फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज़ कंसर्न, अगर आप देखें तो सेंटेंस को कुछ रिवॉल्व कर दिया गया है और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब ये कि हम नॉर्मली जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर सिंपल स्टेटमेंट होती तो होता देवर डार्क एंड गोल्डन आइट, यहाँ पे डार्क को पहले ले जाया गया और देवर बाद में। तो जब भी फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेस, यानी जब हमने एक ख़ास चीज़ को एम्फोसिस देना होता है, एम्फोसाइज करना होता है, तो हम उस चीज़ को पहले लेके आ जाते हैं। जब मैंने एक और मेथड भी आपको बताया था कि व्हेन द राइटर और द पोएट वांट्स टू फोकस और एम्फोसाइज ऑन एनी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ सेंटेंस, तो वो या तो उस चीज़ को किस चीज़ में लिखता है, या तो वो कैपिटल लिख देता है उस सारे के सारे वर्ड को, या उसको कोटेशन मार्क्स दे देता है, या फिर उसको रिपीट करता है, जैसे हमने बटन टाइटल में देखा। यहाँ पे जिस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है उस एडजेक्टिव को वो सबसे पहले लिख रहा है, डार्क। तो वो क्या थे, डार्क मतलब अंधेरे को कहते हैं, तो हम वहाँ से ये टर्म ले सकते हैं डार्क, ब्लैक, ठीक है, स्याह थे, काले थे वो। और गोल्डन आइड, अब यहाँ पे आइड जो है वो एडजेक्टिव बना दिया गया, आइड मींस आँखों वाले, तो गोल्डन आइड सुनहरी आँखों वाले, स्याह थे वो और सुनहरी आँखों वाले। तो थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ये कुछ लोगों की कहानी है, देवर जैसे टाइटल में हमें बताया गया, तो ये कुछ लोगों की कहानी है जो जिनका कलर डार्क था, मीन्स देवर ब्लैक, और उनकी जो आईज थी देवर गोल्डन। अब ये कौन से लोगों की कहानी है, इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सस्पेंस में रखते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हम अपेयरेंस कह लें, फिज़िकल अपेयरेंस कह लें, वो चेंज हो चुकी थी, मतलब डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग और मैन। मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट थे इंसान से। ये कैसे हुए, हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका और उसमें न्यूयॉर्क में एक वॉर चल पड़ती है, एक वॉर सिचुएशन है, और वहाँ पे क्या होता है कि अब ये फ्यूचर की कहानी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, मतलब हमारी हिस्ट्री में या अभी हमारे प्रेजेंट में। फ्यूचर की एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसमें पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन अनरियल है, इमेजिनेटिव है, हमें नहीं पता इट्स रियलिटी और नॉट। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ है कि एक जंग होती है अमेरिका में, हर जगह जंग होती है, तो कुछ लोग जो हैं वो ट्राई करते हैं, 1000 के लोग करीब लोग,
कि हम मार्स पे रहने जाते हैं, हम किसी और प्लेनेट पे चलते हैं ताकि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, हम जंग में मारे ना जाएं। सो दे ट्रैवल टू मार्स। अब उनका जो शिप है या जो भी उनका रॉकेट है जो मार्स पे लैंड किया है जिसने, वो किस तरह से लैंड हुआ है, मार्स पे क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एनवायरनमेंट है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, सो लेसन इज़ अबाउट स्पेस, अबाउट प्लैनेट्स। सो इसलिए हम इसे साइंस फिक्शन कहते हैं, क्योंकि साइंस के बारे में, फिक्शन का तो मैंने आपको बता दिया कि अनरियल स्टोरी होती है, साइंस फिक्शन मतलब साइंस के बारे में एक अनरियल स्टोरी। सो हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, सो आप अपने उस पर देखोगे पेज पे, पेज नंबर 18, हम ट्रांसलेशन फोकस में रखेंगे, सिनोनिम्स और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यू टाइप है। द रॉकेट मेटल कूल्ड, रॉकेट को रॉकेट भी कह सकते हो, त्यारा भी कह सकते हैं, मेटल धातु को भी कहते हैं, वो जिस मटेरियल से बना होता है उसे मेटल कहते हैं। कूल मतलब ठंडा हो गया। इन द मैडो, मैडो मीन्स अ ग्रास लैंड, जहाँ पे सब्जाजार जिसे कहा जाता है, अपास्चर जहाँ पे खेत खलियान या घास होती है, विंड्स हवाएं। रॉकेट की धात सब्जाजार की हवाओं में ठंडी हो गई। अब यहाँ पे आप फोकस करना कि सेकंड फॉर्म है, तो हमने ट्रांसलेशन भी पास में ही करनी है। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, लिड ढक्कन को भी कहते हैं, कवर को और डोर को भी कह सकते हैं हम। बल्जिंग बल्जिंग मीन्स एक बहुत ज़्यादा जो बाहर की तरफ ज़ोरदार जो चीज़ होती है ना, इंक्रीजिंग होती है, एक्सपेंडिंग होती है, बहुत भारी भरकम वाले सेंस में हैवी होती है, उसको कहा जाता है। पॉप एक बहुत जो तेज़ आवाज़ होती है, इसे हम एक बैंग कह लें, एक्सप्लोजन कह लें, जैसे पॉप म्यूज़िक है। अब पॉप म्यूज़िक जो होता है बहुत ही फास्ट, बहुत ही नॉइजी और अप्रोरियस और लाउड किस्म का म्यूज़िक होता है, इसलिए उसे पॉप म्यूज़िक कहते हैं। सो पॉप मीन्स एक लाउड साउंड, और बल्जिंग मीन्स एक्सपेंडिंग साउंड, एक बड़ी आवाज़। इसका ढक्कन या इसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला, या इसके ढक्कन से ज़ोरदार आवाज़ आई, या इसके दरवाज़े से ज़ोरदार आवाज़ निकली, या इसके दरवाज़े ने ज़ोरदार आवाज़ दी। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक इंटीरियर को हम एक जो इंटरनल जैसे कंट्रोल रूम होता है एक शिप में या एक रॉकेट या एक जहाज़ में, उस कंट्रोल रूम में सारे बटन्स वगैरह और कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, उसको कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं, इंटरनल पार्ट भी कह सकते हैं, अंदरूनी हिस्सा कह लें उर्दू में। इसके अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, स्टेप मीन्स केम आउट, बाहर कदम रखा। कदम रखा किसने? अ मैन, एक आदमी, अ वोमेन, एक औरत, एंड थ्री चिल्ड्रन, और तीन बच्चों ने। इसके अंदरूनी हिस्से से या इसके कंट्रोल रूम से एक आदमी, एक औरत और तीन बच्चों ने बाहर कदम रखा या बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स वर्ल्ड अवे अक्रॉस द मार्शियन मैडो, दूसरे मुसाफिर मतलब सिर्फ उस रॉकेट में वही तीन बच्चे और दो वो लोग नहीं थे बल्कि और मुसाफिर भी थे, दूसरे मुसाफिर वर्ल अवे। वर्ल होता है एक रिवॉल्व हो जाना, चकरा जाना, और एक जैसे घूम के कोई कहीं खो जाए, एक बगोले की तरह या हवा की तरह, तो हम इसे स्पीडीड कह सकते हैं, मूव्ड अवे कह सकते हैं। तो वर्ल्ड अवे, मूव्ड अवे अक्रॉस अ मार्शियन मैडो। अब मार्शियन जो है एम कैपिटल से लिखना है, मार्स, मार्शियन, क्योंकि वो एक प्लेनेट का नेम है, मार्शियन मरी ही कहेंगे हम इसे। मैडो पहले भी आया है वर्ड ऊपर, मैडो सब्जाजार, दूसरे मुसाफिर मरीखी सब्जाजार की हवा में या मरीखी सब्जाजार में घूम गए या चले गए। लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को अपने ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़कर, लीविंग छोड़ते हुए या छोड़कर, आदमी वो जो रॉकेट से बाहर जिसने कदम रखा था, उसके साथ एक औरत, तीन बच्चे थे, उसकी फैमिली थी, उस आदमी को अपने ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़ते हुए दूसरे मुसाफिर मरीखी सब्जाजार में यहाँ वहाँ चले गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उस आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते महसूस हुए। नाउ व्हाट इज़ फ्लटर? फ्लटर व्हेन अ बर्ड मूव्स, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो हिलते हैं, फड़फड़ाते हैं, उसको फड़फड़ाना कह लेंगे, फ्लैप कह लें, वाइब्रेट कह लें। उस शख्स को अपने बाल फड़फड़ाते या लहराते महसूस हुए। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, टिशू को हम मसल्स कह सकते हैं, आसाब कह सकते हैं, रगो रेशे कह लें उर्दू में।
उसके जो आसाब थे या पट्टे जो थे वो ड्रॉ टाइट खिंच गए, सख्त हो गए या तन गए, कस गए, एज इफ़ जैसा कि ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसा कि वो खला के वस्त में खड़ा हो। अब वैक्यूम मीन्स स्पेस और ख़ाली जगह, जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको वैक्यूम कहा जाता है, जैसे कि वो खला के वस्त में खड़ा हो। अब ही वॉज नॉट स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ वैक्यूम, ये एक्चुअली वो खड़ा नहीं था, एक्चुअली वो मार्स की सरजमीन पे या उसकी लैंड किया हुआ था उसने मार्स पे, लेकिन लगता ऐसे था जैसे स्पेस में दरमियान में कहीं हवा में मुअल्लक हो गया है और ऐसा साउंड कर रहा था, ऐसा लग रहा था। सो इसलिए यहाँ पे एज इफ़ लिखा हुआ है, इसलिए आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो आपने कहना है जैसा कि या ऐसा लगता था। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने, सीम्ड ऑलमोस्ट वर्ल अवे, लगता था कि वर्ल अवे, जैसे ऊपर भी आया है वर्ल अवे, मूव अवे, और चली जाएगी या घूम जाएगी या बगोला बन जाएगी इन स्मोक, धुएं में। उसकी बीवी उसके सामने ऐसे लगता था जैसे धुएं में गुम हो जाएगी या मिक्स हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे जैसे नन्हे बीज हों, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन, बोए जा सकते थे टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, मरीखी सरजमीन पे या मरीखी मौसम में। क्लाइम्स क्लाइमेट को कहते हैं, मरीखी मौसम कह लें। अब मैं बामहावरे पढ़ी हूँ इन तीन चार लाइन्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है पैराग्राफ और आपने इन टफ चीज़ों को अवॉइड नहीं करना, उसको फोकस में रखना है। द मैन से मैं पढ़ रही हूँ ट्रांसलेशन। उस शख्स को अपने बाल फड़फड़ाते और अपने जिस्म के पट्टे खींचते हुए महसूस हुए, जैसा कि वो खला के दरमियान में या वस्त में खड़ा हो। उसकी बीवी उसके सामने धुएं में तहलील होती या गुम होती नज़र आई। बच्चे नन्हे बीज जैसे किसी भी लम्हे मरीख के मौसम में बोए जा सकते थे। मतलब कोई इतनी सख्त किस्म की क्लाइमेट थी कि उस शख्स को लगता था कि बच्चे उसके बच्चे नहीं नज़र आ रहे थे, जैसे छोटे छोटे बीज हैं इस क्लाइमेट के सामने तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो इस तरह से साउंड कर रहे थे जैसे वो अभी अभी हवा चलेगी और बच्चे तो नज़र ही नहीं आएंगे। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं, टू टेल वट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, ये बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था। कोल्ड का यहाँ पे मतलब ठंडे वाले कोल्ड नहीं है, कोल्ड एक एक्सप्रेशन होता है, यानी जब हम कोई भी इमोशन नहीं होता फेस पे, एक सपाट या एक सर्द सा एक्सप्रेशन होता है, ना तो सैडनेस ना एंगर, हमें समझ नहीं आती है कैसा एक्सप्रेशन है। सो दैट एक्सप्रेशन और दैट फेस पोस्चर इज कॉल्ड कोल्ड। तो यहाँ पे मतलब है विदाउट एक्सप्रेशन था उसका चेहरा, उसका चेहरा सर्द था या उसका चेहरा जज्बात से खाली था या स्पार्ट था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा, क्योंकि उसके चेहरे पे अजीब से तासुर थे। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, चलो वापस रॉकेट पर चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन पर वापस चलते हैं। यस, हाँ, लिसन, सुनो। अब ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखा हुआ है, यस लिसन, तो मैंने आपको लेसन जब हमने वन पढ़ा था तो बताया था कि मैं एक्सक्लेमेशन मार्क के और यूजेस भी बताऊंगी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे लेसन चलते रहेंगे। सो यस के बाद और लिसन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों आया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क का हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे हुर्रा, अल्लास, ओ या वाओ, खुशी के, गम के, एंगर के एक्सप्रेशन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। यहाँ पे यस और लिसन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या जो एक्सप्रेशन है वो कोई एक्सप्रेशन ही है, वो एक्चुअली एक स्ट्रेस है, ठीक है। एक जब ज़ोर से कोई बात कही जाएगी उसके लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, यानी एक्सप्रेशंस मैटर हेयर। द विंड ब्लू, हवा ऐसे चली एज इफ टू फ्लेक अवे द आइडेंटिटीज़, जैसे उनकी शनाख्त की, फ्लेक अवे होते हैं ऐसे छिलका उतारा जाता है ना, ऐसे पील ऑफ किया जाता है, ऐसे टमाटर या आलू को हम छिलका उतारते हैं, तो वो पील ऑफ करना, फ्लेक अवे, परतें उतारना, छिलके उतारना, आइडेंटिटी शनाख्त को कहते हैं, रिकग्निशन को कहते हैं। जैसे उनकी शनाख्त की परतें उतार देगी, धज्जियाँ उड़ा देगी। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माई ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम,
किसी भी लम्हे मरी की हवा उसके अंदर से उसकी रूह खींच सकती थी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे सफ़ेद हड्डी से गूदा बाहर आता है। मैरो वो जो बोन मैरो जैसे कहते हैं कि एक क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक मवाद, एक मटेरियल होता है। ही फेल्ट सबमर्ज हो जाना, बिल्कुल मिक्स हो जाना, बिल्कुल जी सिंक हो जाना, किसी चीज़ के अंदर चले जाना, डूब जाना। उसने खुद को डूबा हुआ महसूस किया इन केमिकल, एक कीमिया में, उर्दू में कीमिया कहते हैं या कीमियाई मादा कहते हैं, डैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो उसकी जहानत को या उसकी अकल को ख़त्म कर सकता था। डिज़ोल्व मतलब डिसअपियर कर सकता था, एंड कर सकता था। एंड बर्न अवे इस पास्ट और उसकी याददाश्त। पास्ट वैसे माजी को कहते हैं, यहाँ पे पास्ट मीन्स मेमोरी, क्योंकि माजी की यादें हमारी मेमोरी में होती हैं, तो मेमोरी और माइंड। अब वो जो बात कर रहे हैं कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे वो कहीं लॉस्ट है, उसको समझ नहीं आ रही है कुछ, और इस सारी चीज़ पे वो इतना खौफज़दा है। वो क्यों खौफज़दा है, वो उसकी रीज़न ये अब इन तीन लाइन्स में बताई जा रही है। हवा ऐसे चली जैसे उनकी शनाख्त की धज्जियाँ उड़ा देगी या परतें उतार देगी। किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसके अंदर से रूह खींच सकती थी, जैसे सफ़ेद हड्डी से गूदा बाहर आता है। उसने खुद को एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ पाया, जो उसकी दिमाग को या उसकी जहानत को ख़त्म कर सकता था और उसकी माजी को या उसकी याददाश्त को जला सकता था। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वॉन विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, जहाँ पे गुजरते हुए सालों के, अब यहाँ पे क्रशिंग प्रेशर मतलब है एक बहुत ही ना, क्रश करना क्या होता है, बिल्कुल ही पीस देना किसी चीज़ को, रोन डालना, उसको ख़त्म कर देना। यानी पहाड़ियों कुछ ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उनको बहुत ही ख़राब कर दिया है, ख़स्ता हाल कर दिया है, तबाह कर दिया है, शैटर कर दिया है। और दूसरा वर्ड वॉर्न है, वॉर्न वैसे वियर की थर्ड फॉर्म भी है जिसका मतलब होता है पहनना। यहाँ पे वॉर्न का मतलब है कोई एक चीज़ बहुत यूज़ जब हो जाती है ना, वॉर्न आउट हो जाती है। जैसे हमको पुराना कोट है या पुरानी कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही कट फट गई है हर जगह से, तो वो वॉर्न हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है। सो वॉर्न आउट मीन्स ब्रेक डाउन और शैटर्ड। और दूसरा वर्ड जो वहाँ पे क्रशिंग आया उसका भी यही मतलब है, तो इसको उर्दू में हम एक ही वर्ड में ट्रांसलेट कर देंगे, खस्ता हाल कर देना, पारा पारा कर देना, ख़त्म कर देना और टूट फूट जाना। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा, जिसको वक्त के गुज़रते हुए सालों ने या गुज़रते हुए सालों ने खस्ता हाल कर दिया था। जिनको पहाड़ियों की बात हो रही है, यानी उनके पहाड़ियों का हाल कुछ ऐसे था जैसे बहुत ही टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा, जहाँ गुज़रते हुए सालों ने उन्हें बिखेर दिया था या खस्ता हाल कर दिया था। जिस सारे ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा, लॉस्ट इन देयर मेडोज़, जो अपने सब्ज़ारों में खो गए थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, ऐसे पड़े थे जैसे बच्चों की नाजुक हड्डियाँ। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, घास की बहती हुई या लहलाहती झीलों के दरमियान। यानी अब वो सारी सिम्बॉलिकली यूज़ कर रहा है कि पहाड़ कैसे नज़र आते थे और पुराने शहर ऐसे लगता था कोई यहाँ पे बसता रहा है, कोई यहाँ पे आबाद रहा है, यहाँ पे कोई लोकेशन थी, लोग रहते थे, उनकी बात हो रही है जैसे कोई हड्डियाँ पड़ी हों। इन लाइन्स को फिर से देख लें। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा, जहाँ गुज़रते हुए सालों ने, जिन्हें गुज़रते हुए सालों ने खस्ता हाल कर दिया था। उन्होंने पुराने शहरों की जानिब देखा, जो अपने सब्ज़ाज़ार में खो गए थे और ऐसे पड़े थे जैसे बच्चों की नाजुक हड्डियाँ घास की लहलाहती झीलों के दरमियान पड़ी हों। चिनअप हैरी, चिनअप होता है यानी थोड़ा किसी को बूस्ट अप करना, चेयरफुल मतलब हौसला करो, खुश रहो, उदास मत हो, खुश हो जाओ हैरी। सैरीज़ वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील दूर निकल आए हैं। मिलियन मतलब करोड़ों में आ जाएगा, 6 करोड़ हम कह सकते हैं, इसे 6 करोड़ मील दूर आ गए हैं, हम कैसे वापस जा सकते हैं। थोड़ा उसको बूस्टअप कर रही है कि बी हैप्पी, बी ओके, बी रिलैक्स।
The children with their yellow hair hollered at the deep dome of the Martian sky. बच्चे अपने सुनहरी बालों के साथ, क्योंकि वो उनके बाल गोल्डन कलर के थे तो येलो उस एंगल से यूज़ हो रहे हैं, सुनहरी बालों वाले या जर्द बाले वाले बच्चे हॉलर्ड एट द डीप डोम. हॉलर्ड मीन्स बहुत ही शाउटिंग वॉइस होती है, क्राई या शाउट. बच्चे चीखते या चिल्लाते हुए ऑफ द मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान के गहरे गुंबद में यहाँ से वहाँ चले गए. यहाँ पे क्या आया है वर्ड, यहाँ विद देयर मार्शियन स्काई, हॉलर चीखने लगे या पुकारने लगे. डोम हमने बटन बटन में भी पढ़ा था, गुंबद को कहते हैं. बच्चे सुनहरी बालों वाले बच्चे या सुनहरी बालों के साथ वो बच्चे मरीखी आसमान के गहरे गुंबद में पुकारने लगे या चीखने लगे. मतलब जैसे बच्चों की आदत होती है, शोर मचाने लगे. देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब ना था. बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, हिस एक साउंड होती है, सनसनाहट इसे कह सकते हैं, यानी बज और विसल. सनसनाहट एक ऐसी आवाज़ जो हवा की वजह से पैदा होती है. स्टिफ कहते हैं सख्त को. लेकिन सख्त घास में हवा की सनसनाहट के सिवा, रेसिंग चलती हुई हवा की सनसनाहट के सिवा कुछ ना था. सो इट्स इनफ टुडे. आपने मुश्किल वर्ड देख लेने हैं, ट्रांसलेशन रिवाइज कर लेनी है. आपने ये चीज़ें स्किप नहीं करनी क्योंकि रिवाइज नहीं किया जाएगा इसलिए बस. ओके, इट्स इनफ. हम कल ज़्यादा पढ़ेंगे इसको ताकि कवर हो जाए हमारे 4 डेज़ में. ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़.